खसखस और बादाम का हलवा स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें कई गुण हैं। दिमाग को तो तेज करता ही है, लेकिन इसमें कई गुण होते हैं। मैं बताते बताते थक जाऊंगी, आप सुनते सुनते थक जाओगे। इसमें इतने गुण हैं। अब हम सामग्री देख लेते हैं, हमने क्या क्या लिया है। हमने 100 ग्राम खसखस ली हुई है, 50 ग्राम बादाम ली हुई है, एक कटोरी घी लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर लिया है, एक कटोरी चीनी ली हुई है और हमने आधा लीटर दूध लिया हुआ है। अभी हम केवल एक गिलास दूध का ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी दूध हम बाद में यूज करेंगे। बादाम और खसखस को हमने ओवरनाइट भिगो के रखी हुई थी। ओवरनाइट रखने से क्या होगा, बादाम और खसखस अच्छी तरीके से फूल जाएंगी। अब हम खसखस को बारीक छन्नी से छान लेंगे। अब हमें क्या करना है, पूरी बादाम को हम छील लेंगे। अब हमें क्या करना है, मिक्सी जार का सबसे छोटा वाला जार लेंगे। अब हम इसमें आधा खसखस डाल देंगे। खसखस डालने के बाद अब हम इसमें से थोड़ा सा दूध भी डाल देंगे और अब हम इसे बारीक ग्राइंड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से बारीक होना चाहिए। बचे हुए खसखस में बादाम डाल के, थोड़ा सा दूध डाल के हम इसे भी बारीक ग्राइंड कर लेंगे। अब हम पिसे हुए खसखस को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में घी ऐड कर देंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम खसखस ऐड कर देंगे। हमें मोटे तले का बर्तन लेना है ताकि हमारा हलवा अच्छे से भून जाए, जले नहीं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम कम करके इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। हाई पे नहीं, वरना हमारे हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ठंड में सुबह सुबह खाली पेट अगर एक कटोरी हम ये हलवा खा लें, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे जरूर बना के खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। हमें इसे डार्क ब्राउन होने तक भूनना है। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये तले से ना लगे, और अगर ये तले से लग गया तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। हम इसे जितना भूनेंगे उतना स्वादिष्ट बनेगा, इसका फायदा भी उतना ही ज्यादा होगा। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम बचा हुआ दूध भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। अब हम 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर लिया था वो ऐड कर देंगे, साथ ही हम चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी आपके अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। लो फ्लेम पर ही हमें दूध सोखने तक इसे पकाना है। इस हलवे को हमें थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ना है, पूरे टाइम हमें इसे चलाते हुए ही पकाना है। ये देखिए पूरी तरीके से दूध सोख चुका है और हमारा हलवा कितना अच्छा दिख रहा है और घी भी छूट चुका है। बस हम इसी टाइम पर गैस ऑफ कर देंगे, हमारा हलवा बन चुका है। अब हम हलवे को सर्व कर लेंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेसिपीज देखने के लिए थैंक यू।